हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पेपर लीक मामले में हिमाचल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने तल्ख टिप्पणी के साथ ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी अपने ड्यूटी निभाने में सफल नहीं रहे हैं। पेपर लीक होने से सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सरकार ने अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार हाई अलर्ट पे थी और विजिलेंस को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदेशा यही था कि अभी पिछली सरकार में जो हिमाचल प्रदेश में जो पेपर लीक माफिया चल रहा है वो काम कर रहा है, तो उनने जो है विजिलेंस को एक्स्ट्रा अलर्ट में रखा था कि आपकी हर एग्ज़ाम पे जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो भी भर्तियाँ हो रही है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इसलिए ये सफलता मिली कि वो एग्ज़ाम होने से पहले ही वो गिरोह पकड़ा गया। जो महिला थी उसमें अधिकारी थी, उस सबॉर्डिनेट कमीशन में ही काम करती थी, और उसका बेटा और कुछ लोग थे जिनके साथ इन्होंने इसको 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में बेचने की बात हुई थी। तो विजिलेंस ने एक बहुत बड़ा उपलब्धि थी कि ये अरेस्ट हुए, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि विजिलेंस ने जो एक SIT गठित की है, SIT जो है DIG की अध्यक्षता में इसको आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और हमें उम्मीद है कि इसकी और भी परतें खुलती चली जाएगी।